हेलो गाइस, फिर से आ गए हम अपना व्लॉग बनाने के लिए। और ये व्लॉग होगा नंबर 3, जो कि है देहरादून जू से। अब आपको आज देहरादून जू दिखाएंगे और वहाँ के कई प्लेसेस जो है हम एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे कि देहरादून जू कब बना था और उसका रास्ता क्या है और उसमें कौन कौन से जानवर हैं। मेरे साथ अर्णव और मैं आपका उमेश, और हम चलते हैं अपनी जर्नी पे। मेन गेट है बाहर का, होता है आप बंदर जा रहे हैं जरा दूर दूर देख रहा है। अरे भैया, पार्किंग भी लगती है क्या? जी। कितने रुपए है? 10 रुपए। दोनों गाड़ी लगा दो जी। देहरादून जू पहुंच गए हम लोग, और हम लोग अंदर का एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, आपको दिखाएंगे कितने वाइल्ड जानवर हैं यहाँ पे और कितना अच्छा बना दिया देहरादून जू। प्लीज़ विजिट करिएगा देहरादून जू, ज़रूर आइएगा। नहीं नहीं बेटा, दूर दूर रहो उनसे। यार ये बड़े बड़े उंगली खा सा। एक और इसी भागो मत, तुम्हारे पीछे भाग जाएंगे बंदर। देखो फ्रेंड्स, आपने पूरी चेकिंग चल रही है यहाँ पे, वन विभाग और पुलिस के लोग फुल मुस्तैदी में है, क्योंकि अब तो बहुत बढ़िया हो गया ना जू। ये देखिए, ये कैफेटेरिया एरिया है उधर, येलो वाली बिल्डिंग। बच्चों का प्ले एरिया है, छोटे बच्चे अप्लाई या प्ले भी कर सकते हैं उनके साथ। छोटा बंदर आ गया। अब हम अंदर जा रहे हैं जहाँ पर कि एनिमल को रखा गया है। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। और जैसे कि आपको सामने बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे वैसे तो बहुत प्रकार के एनिमल्स हैं, पर हम आपको कुछ एनिमल दिखाएँगे जो कि बहुत ही फेवरेट है यहाँ पर। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको पहला एनिमल दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तोतों की प्रजातियाँ जो हैं यहाँ पे मिलने वाली, जो आपको दिखा रहे हैं पेट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे सारे तोते अवेलेबल है। आप आएंगे तो आपको सारे तोते दिख जाएंगे, बहुत स्वीट होते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना प्यारा पक्षी था, ये विदेश से मंगवाया गया। और अब सामने देख रहे हैं आप, एडवेंचर जोन है जो कि कोरोना करके इन्होंने बंद किया हुआ, क्योंकि लोग बहुत पास पास में इसमें एडवेंचर करते हैं, तो इन्होंने बंद किया हुआ है। इसमें लैडर जंप है और आपको बहुत से एडवेंचर करने को मिलेंगे। लेट्स डू सम एडवेंचर। जैसे कि हम अभी जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है कि पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो इतना सब कुछ नहीं था, बट अभी जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे पुल वगैरह बना दिए गए हैं। और ये देखिए, जैसे कि पेंटिंग आप देख पा रहे हैं, कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। तो ऐसे ही करके जू को बहुत अच्छा बना दिया गया है, ताकि जो भी यहाँ पर घूमने आए वो यहाँ की सुंदरता को देख सके। देहरादून में बहुत घूमने की प्लेसेस है, बट जू उनमें से एक फेवरेट है, जहाँ पे कि बहुत भीड़ भी होती है और बहुत लोग आते हैं। तो आइए अब हम आपको एक और एनिमल से मिलाते हैं। फ्रेंड्स देखे, इसको कहते हैं शतर मुर्ख और इंग्लिश में ईमो, और उसके साथ फीमेल ईमो भी है वाइट कलर की। कितनी प्यारी लग रही है, छोटी सी है, अभी दाना चुग रही है, इसका ध्यान नहीं है हमारी तरफ। और ये बोर्ड लगा हुआ है जिन लोगों ने इसको, इन दोनों को अडॉप्ट किया है एक साल के लिए, ये लोग पे करते हैं ताकि ये लोग अच्छा फूड खा पाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको मगरमच्छ दिखाते हैं जी। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि इसकी चोंच इतनी लंबी है, तो ये जैसे ही कोई भी इंसान के पास जाएगा तो ये तुरंत उसको खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत डेंजरस यहाँ के इंडियन ब्रीड है, ये आप देख पा रहे हैं। ये अभी बैठे हैं आराम से पानी के बाहर। जैसे कि दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा मगरमच्छ भी यहाँ पर है, तो ये अभी रेस्ट कर रहे हैं, बल्कि जब ये पानी में जाते हैं तो बड़ी उछल पुछल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है हमारे पुरानी कहानियों के राजा, जो कि थे सुस्तराम, मिस्टर कछुआ। ये देखिए पूरी फैमिली बैठी है कछुए की, एक साइड में बैठा हुआ है, और एक अभी देखेगा एक कछुआ पानी के अंदर, मैंने देखा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऊपर अंदर जान दीजिए, पानी में एक बैठा हुआ तैर रहा है, वो देखिए ये रहा, कितना प्यारा लग रहा है, कितना शांत लग रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको सांप दिखाते हैं हम लोग। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना मोटा अजगर, भाई गॉड, सामने आ जाए पूरा आदमी को निकल जाए। सावधान रहिए, ऐसे किसी पिंजरे से दूर ही रहिए भाई। ये देखिए फ्रेंड्स, कोबरा सांप, ब्लैक कोबरा बोलते हैं, सब किंग कोबरा। फ्रेंड्स इंडियन कोबरा, दो दो है फ्रेंड्स, दो दो इसके छोटे छोटे बच्चे। ये देखिए ये रहा, अरे कोबरा, दे आर रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड। ये वाइन स्नेक है, देखिए कैसे कर रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बाहर निकलना चाहता है।
देखिए हिरन कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो आइए अब हम आपको मिलाते हैं यहाँ के हीरो से, जू के हीरो से। तो ये है यहाँ का हीरो बाघ, और ये देखिए जैसे कि हमारी तरफ आ रहा है, जहाँ जहाँ हमारा कैमरा जा रहा है वहीं वहीं पे आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पर हमला करने आ रहा है। तो देखिए अंदर घुस गया जी, ये बिल्कुल ये आ गया अंदर फ्रेंड्स। अंदर चला गया फ्रेंड्स। पानी घुस रहा है, बारिश चालू हो गई है यहाँ पे जू के अंदर। भाई लोगों आप भी देहरादून जू में घूमने आए हो, कहाँ से घूमने आए हो आप लोग दोनों? कैसा लगा भाई लोगों आपको हमारा देहरादून का जू? आप बताइए भैया, आप बताइए। मजा आ गया, शेर बढ़िया है यहाँ का, बहुत ही बढ़िया। और कोई खासियत? खासियत क्या है, यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। व्यू बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया। और भैया आप बताए कुछ? अरे बताइए भैया। अरे बोलिए भैया, बोलिए। बहुत बढ़िया, मजा आया, पैसे वसूल हो गए। जो 30 रुपए की टिकट कटवाई थी वसूल हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। फ्रेंड्स अभी बारिश हो रही है और हम बारिश में फंस गए हैं यहाँ पे। जू के जानवर हम आपको दिखा चुके हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि 1917वीं ईस्वी में ये जो है देहरादून का डियर मालसी पार्क बनाया गया था, और इस जगह का नाम भी यहाँ से मालसी पार्क के नाम से ही है। बट 2013-14 के अंतर्गत इसको देहरादून जू के नाम से एस्टेब्लिश कर दिया गया। अब ये देहरादून जू के नाम से है और इसको अब डायरेक्टली वन विभाग ही हैंडल करता है, उत्तराखंड सरकार के अंदर आता है। और बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव ले रहे हैं ये लोग। यहाँ पे आप देखेंगे जगह जगह पे जो है अडॉप्टेशन के बोर्ड्स लगे हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है कि लोग यहाँ आते हैं और जो लोग समर्थ हैं वो इन जानवरों को अडॉप्ट करके इनके लिए खाना, जिससे कि इनको भी बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ जो है मिल सकें। तो प्लीज़ आप लोग जब भी देहरादून जू आए तो अगर आप समर्थ हैं तो आप ज़रूर एक आधा कोई जानवर यहाँ से अडॉप्ट कीजिए, जिसको आपके थ्रू अच्छी सर्विसेज मिल सके। और अब हम चलने के लिए तैयार हैं अपने वापस अपने घर। और फ्रेंड्स तो जब तक के लिए अलविदा चाहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको जू? जैसे कि आप देख रहे हैं बारिश आ रही है और हम भी बारिश में देख रहे हैं, बाल भी गीले हो गए तो वही सही कर रहे थे। बाकी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, बहुत जो भी इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई थी उससे भी बेटर मेरे को यहाँ पे लगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि लेपर्ड, स्नैक्स और भी चीज़ें हैं। तो वैसे आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे एक बार। थैंक यू। फ्रेंड्स बारिश बहुत तेज है और मैं अभी फूड कोर्ट में गया था। फूड कोर्ट वाले कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से उन्होंने फूड कोर्ट बंद किया और मुझे बहुत जल्दी है, बारिश में मैं पूरा भीग जाऊंगा, तो मैं जा रहा हूं फ्रेंड्स।